विष्णुदेव साय सरकार पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की एक योजना को फिर से शुरू करने जा रही है। विष्णुदेव साय सरकार से पहले प्रदेश की सत्ता में रही भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने साल भर बाद योजना को बंद कर दिया था। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जा रही है। ये योजना डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय लागू की गई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार के तहत राज्य का विकास हो रहा है। बता दें कि बीजेपी ने 2023 के अपने घोषणा पत्र में भी इस योजना का वादा किया था। इसके तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे 15 साल हम लोगों की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, तो उस समय एक तीर्थ यात्रा योजना भी था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना तो है ही, वो सिर्फ हम लोगों के जो भाचा राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं उनको दर्शन कराने का ये योजना है रामलला दर्शन योजना, लेकिन देश के और भी कई तीर्थ हैं। हमारी बुजुर्गों की इच्छा होती है कि वो तीर्थ यात्रा वहां पर जाएं, तो ये तीर्थ यात्रा योजना की भी कल कैबिनेट मंजूरी दे दी है। अभी इस योजना की भी शुरुआत होगी, इसमें 60 साल से ज्यादा के हमारे बुजुर्ग उनको प्राथमिकता मिलेगा, साथ ही साथ जो विधवा हैं, जो परित्यक्ता हैं, ऐसे महिलाओं को भी तीर्थ यात्रा योजना में लाभ होगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लगातार आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। अभी अभी अंबिकापुर में एयरपोर्ट का शुभारंभ किए हैं, बहुत जल्दी वहां पर हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि इस देश में एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो भी हवाई यात्रा करे, इस तरह से हमारे प्रदेश के और भी अंबिकापुर के साथ साथ और भी जगह उड़ान योजना में जुड़ेंगे और हमारे हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर पाएंगे। अभी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के लिए लगातार यहां पर भारत सरकार की मेहरबानी हो रही है। रेल कनेक्टिविटी के लिए हजारों करोड़ रुपये मिले हैं। अभी रोड कनेक्टिविटी के लिए भी 11,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे में और सीआर से करीब 1,000 करोड़ रुपया यहां रोड के विस्तार के लिए मिला है। तो इस तरह से डबल इंजन की सरकार का लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है।